अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब लोग। आज की हमारी रेसिपी है राइस बनाएंगे, चने का पुलाव बनाएंगे। उसमें चाहेंगे राइस और साथ में हमने बॉईल किए हैं चने। और सबसे पहले डालेंगे इस प्याज, ग्रीन चिल्ली, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट एंड गरम मसाला। और जिससे हमने पुमाइश किए हैं चावल, इसी का डबल हम पानी डालेंगे। हमने 2 गिलास लिए हैं चावलों के, हम इसका डबल 4 गिलास पानी के डालेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये चावल हमने जो लिए हैं इनको अच्छे तरीके से पानी में अच्छे तरीके से वॉश करके भुगो के रख लेना है। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा ये अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। हमने अच्छे तरीके से मोल लिया। यहाँ पर हम इसके अंदर डालेंगे प्याज, इसको गोल्डन ब्राउन होने देंगे। जितना ज़्यादा हम इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे इतना ही हमारा राइस में का अच्छी लुक आएगी, अच्छा कलर आएगा। जितना अच्छा हम मसाला भूनेंगे इतना ही अच्छा हमारा चावल मज़ेदार बनेंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, अब हम इसको इतनी देर के लिए भूनेंगे जब तक हमारे टमाटर नरम नहीं हो जाते और अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। आप देख सकते हैं कुछ देर के लिए हम इसकी बुनाई करेंगे। पुलाव हो या हमारी बिरयानी हो या हमारे सादा चावल हो, उसका बेस हमारे मसाले के ऊपर होता है। जितना अच्छा हमारा मसाला बना होगा इतने अच्छे हमारे राइस बनेंगे। कुछ देर के लिए इसको भूनेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा टमाटर नरम हो गए हैं और प्याज भी ब्राउन हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं टमाटर भी हमारे, ये देखिए नरम हो चुके हैं। अब हम उसके अंदर डालेंगे ग्रीन चिली, कुछ देर के लिए इसकी बुनाई करेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे पाउडर मसाले। ये आप देख सकते हैं अब हमने इसके अंदर डालेंगे चने। अब इनकी बनाई करेंगे। दस से 15 मिनट के लिए इनकी बनाई करेंगे। ताकि इनके अंदर अच्छी तरीके से मसाला चला जाए और हमारे चने बहुत अच्छी तरीके से ये देखें उबले हुए हैं। इनको आपने पहले उबाल लेना है।
10 से 15 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे चावल में बॉयल आ रहा है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे राइस। ये देखें, जब इस तरह हमारा पानी पकना स्टार्ट हो जाए देन फिर हम इसके अंदर राइस डाल देंगे। जब इस तरह हमारा पानी पकने लगे तो फिर हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। चने भुनाई हो जाएगी, फिर जितने हमारे चावल होंगे उससे डबल हम पानी डाल देंगे। हमारे 2 ग्लास चावलों के थे, हमने उससे डबल अंदर पानी डाल दिया, तो अब हम उसको कुछ देर के लिए ढक देंगे। जैसे ही ये उबाल आना शुरू होगा देन फिर हम इसके अंदर चावलों को धो के अंदर डालेंगे। अब हम इसे लो फ्लेम करके कुछ देर के लिए पकने देंगे। जैसे इसका उबाल आना शुरू होगा देन फिर हम इसके अंदर राइस डालेंगे। ये आप देख सकते हैं पुलाव की फाइनल लुक। जी ये हमारा यम्मी सा पुलाव तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।